सोल ने क्वेश्चन पूछा है इस सॉलोज पर्म गुड फॉर हेल्थ वाह वाह क्या क्वेश्चन पूछा है यस yes, अगर आप गूगल करोगे तो बहुत सारे लोग लोगों के मन में ये क्वेश्चन यू नेवर नो वॉट पीपल डू इन दिस वर्ल्ड ओके दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस बोलिए क्वेश्चन पूछा है कि जो सीमेन निकलता है इजैक्युलेन के बाद जो सीमेन निकलता है तो वो हमारे वो खाने खाना अपने हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं यस अगर आप गूगल करोगे तो बहुत सारे लोग लोगों के मन में ये क्वेश्चन है अच्छा है कि आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाऊंगी आई एम हैप्पी दैट यू ट्रस्टेड मी विद सच अ क्वेश्चन चलिए आपके क्वेश्चन का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीमेंट अभी सीमेंट बेसिकली एक तरह का ऐसा फ्लूड है जो इजैक्युलेशन होने के बाद एक मेल इजैक्युलेट करता है तो उसके बाद जो फ्लूड निकलता है उसको सीमेंट कहते हैं अभी सीमेंट के अंदर क्या क्या होता है सीमेंट के अंदर सिर्फ दो ही चीजें होती है एक तो स्पर्म्स होता है और दूसरा सिमाइनल प्लाज्मा होता है। है अभी स्पर्म्स तो आपको पता होगा क्या है जो वीरिया होते हैं वो स्पर्म्स होते हैं और जो सेमिनल प्लाज्मा जो होता है जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो वाइट और क्लाउडी वाइट जैसा कलर होता है सेमिनल प्लाज्मा एक तरह का ऐसा फ्लूइड है जिसमें 80% पानी है और बाकी उस वो जो फ्लूड है वो इसलिए होता है ताकि स्पर्म्स को मोटिलिटी मिले स्पर्म्स का हेल्थ प्रॉपर रहे ताकि स्पर्म्स प्रॉपर्ली वजाइनल कैनाल से पास होके जाकर फीमेल का एक फर्टिलाइज़ कर सके तो वो जो जर्नी है उसके लिए जो उनको फूड चाहिए होता है या जो एनर्जी चाहिए होती है वो सीमाइनल फ्लूड देता है ओके okay? Uh, क्या सीमेंट को या जो इजैक्युलेट्री फ्लूड है सीमेंट को खाने से कुछ होता है क्या कोई आदमी मर जाता है या हेल्थ के लिए अच्छा है देखिए जिस तरह से आप चाय कॉफ़ी पीते हो खाना खाते हो सिर्फ इसी तरह से जब आप सीमेंट खाते हो या सीमेंट को आप मुंह के अंदर डालते हो और निगल जाते हो तो उससे वो नॉर्मल जो आप खाना खाते हो इसी तरह से होता है वो जाकर आपके पेट में जाता है पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो डाइजेशन होता है उसी तरह से डाइजेस्ट होता है ओके कुछ आपको कोई चमत्कारी शक्तियाँ नहीं मिलेगी ओके सेकेंड क्वेश्चन question, जो क्वेश्चन जनरली आपके दिमाग में है वो एक्चुअली क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं ताकि वो फटाफट में विदाउट टाइम वेस्ट बता सकूँ कुछ लोगों का ये मानना है कि सीमेन के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैंने बहुत बार इजैक्युलेशन मेरा हो गया तो इसका मतलब मेरे बॉडी में प्रोटीन कम हो गया और मैं कमज़ोर हो गया मैं मर जाऊंगा नहीं सीमेंट के अंदर प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होता है ये गलत मान्यता है आपके सीमेंट के अंदर बिल्कुल प्रोटीन नहीं है कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी सीमेंट आप प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह प्लीज़ मत लीजिए ओके यू नेवर नो वॉट पीपल डू इन दिस वर्ल्ड ओके दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सीमेंट जो है ये बहुत हाई कैलोरीज है सीमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज है अगेन उसकी वजह से उनको लगता है कि अगर उनको बार बार इजैक्यूलेशन हो गया या फिर सेक्स ज़्यादा कर लिया तो उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगा और बहुत कमज़ोर हो जाएंगे दुबले हो जाएंगे मर जाएंगे नहीं ये नहीं होता सीमेंट के अंदर हाई कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं है कंप्लीटली जैसे मैंने कहा इट कंटेन्स ओनली स्पर्म्स एंड सीमाइनल फ्लूड विच कंटेंस एटी परसेंट वाटर ओके तो इसलिए इसके अंदर कोई भी कैलरीज नहीं है कम्प्लीटली लो कैलरी फूड है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ लोगों को ऐसे मान्यता है कि सीमेंट खाने से या सीमेंट निकलने से मूड एलिवेट होता है या मूड बहुत अच्छा होता है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा सरप्राइजिंग है आपको भी शॉक होगा ये सुनकर एक्चुअली यू एस ए में एक स्टडी हुई थी दो हज़ार दो में आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अगर लिंक मिलेगी तो मैं कमेंट में पोस्ट कर दूंगी तो यस yes, उन्होंने अराउंड 300 लेडीज़ में ये एक्सपेरिमेंट किया था और ये उनको पता चला कि जो सीमेंट है उसके अंदर एंडोर्फिन्स होते हैं और इसकी वजह से पॉसिबल है कि मूड एलिवेट हो सकता है अभी एंडोर्फिंस जो है ये एक तरह के हैप्पी हारमोन्स है जब आप एक्सरसाइज करते हो चॉकलेट खाते हो तो कैसा आपको अच्छा फील होता है तो वो एक हारमोन्स की वजह से है तो दोज एंडोर्फिन्स आर प्रेजेंट इन द दीमेंट सो पॉसिबल है कि उसकी वजह से मूड अच्छा हो जाता है लेकिन इसके ऊपर कोई डिटेल में स्टडी नहीं हुई है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए है ओके okay? तो इसको सीरियसली मत लीजिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी है कि सीमेंट निगलने से या सीमेंट खाने से स्ट्रेस रिलीफ होता है अभी ये भी एक सरप्राइजिंग थिंग है देखिए सीमेंट के अंदर जब एनालाइज किया था तो उसके अंदर ऑक्सीटोसिन हारमोन और प्रोजेस्ट्रॉन हारमोन बहुत ही स्मॉल क्वान्टिटी में प्रेजेंट था लेकिन इट वॉज नॉट सो मच इतना ज्यादा क्वांटिटी में वो हार्मोन प्रेजेंट नहीं था जिसकी वजह से स्ट्रेस रिलीफ हो लेकिन हार्मोन जरूर प्रेजेंट थे अभी ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्ट्रॉन जो है ये दोनों ऐसे हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस रिलीफ होता है ओके तो दीज हार्मोन्स व प्रेजेंट इन द सीमेन लेकिन वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में थे नॉट इनफ टू गिव यू स्ट्रेस रिलीफ ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या सीमेन खाने की वजह से क्या सीमेन निगलने की वजह से मुझे सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकते हैं या नहीं येस आपको क्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकते हैं अगर आप कॉन्डम यूज करते हो सेफ सेक्स प्रैक्टिस करते हो तो ही आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होंगे अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन का एच पॉजिटिव का हेपेटाइटिस पॉजिटिव का सीमेंट अगर आप निगलते हो तो आपको एच हो सकता है हिपेटाइटिस हो सकता है किसी भी तरह की सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती है वेरी वेरी लाइकली ओके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि क्या मुझे सीमेंट निगलने की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है ये एलर्जिक रिएक्शन होता है ये एक्सट्रीमली रेयर है लेकिन ऐसे केसेस वर्ल्ड में मिले हैं जहां पर उन्होंने सीमेंट निगला है और उनको एलर्जिक रिएक्शन हुआ है नॉर्मल एलर्जिक रिएक्शन जैसे इचिंग फेस स्वेलिंग हो जाना खुजली आना एंड ऑल दोज थिंग्स इसको एक्चुअली एक मेडिकल टर्म भी है इसको कहते हैं सीमेन हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम ओके okay? तो यस yes, बहुत ही रेयर है लेकिन सीमेन की एलर्जी हो सकती है तो आई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या स्पर्म निगलने से या सीमेंट निगलने से प्रेग्नेंसी हो सकती है या नहीं तो इसका आंसर है नहीं अगर आप स्पर्म निगलते हो या सीमेंट को निगलते हो तो प्रेग्नेंसी नहीं हो सकती ओके तो आई होप आपके माइंड में जो भी यहाँ वहां जो भी माइंड के जो भी छोटे छोटे कोने में क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए हैं ओके